क्या हाल चाल है? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप मज़ा आ रहा है? मज़ा तो बहुत आ रहा है, बहुत अनरियल सा फील हो रहा है ना। अच्छा, तो फैन रिएक्शन सबसे पहले मुझे बताओ, जब आप बाहर जाती हैं, लोगों ने पहचानना शुरू किया है तो क्या होता है? कल एक्चुअली मेरी कज़न की बर्थडे पार्टी थी, तो हम लोग सब एक रेस्टोरेंट में थे, वहाँ पे मुझे किसी ने रिकगनाइज़ किया। मेरे सारे कज़न्स मुझे तंग कर रहे थे कि हाँ तुम्हें रिकगनाइज़ किया। मैंने कहा हाँ, अब क्या करूँ। तो स्कूल में भी बहुत लोग रिकगनाइज़ करते हैं, अच्छा लगता है, बिकॉज जिन लोगों ने मुझे रिकगनाइज किया वो सब बहुत रिस्पेक्टफुल रहे हैं, सबको बहुत पसंद आई हूँ मैं तो। माशाल्लाह। ओके, तो अच्छा मुझे पहले बताएं कि आप कितनी बड़ी हैं और किस क्लास में पढ़ती हैं, किस स्कूल में पढ़ती हैं? मेरी एज 13 है और मैं 7th ग्रेड में हूँ एंड आई स्टडी इन मेरिटोरियस। बहन भाई कितने हैं, अब्बा क्या करते हैं? सारा मैं पूरा बायोडाटा पहले लिखवा लूँ, सुन लूँ ना, वो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे दो बहन भाई हैं, मेरी सबसे बड़ी बहन है लबीब और फिर मेरा भाई है अहमद। और मेरे अब्बा का, मेरे बाबा का शोरूम है गाड़ियों का। तो बहन भाई बिजनेसमैन। वाओ, नाइस। तो बहन भाइयों का क्या रिएक्शन है वैसे? मेरे बहन भाई मेरे लिए बहुत खुश होते हैं, स्पेशली मेरी बहन। मेरी बहन तो कुछ भी होता है तो मेरा भाई मुझे भेजता है, तो ये देखो फेमस हो रही हो तो ना तंग करने में कहता है। लेकिन मेरी बहन तो बहुत स्वीट। क्या बुलाती है आप उनको? मैं उनको लबीब भी बुलाती हूँ, आप ही बुलाती हूँ कभी कभार, या लबीब? और भैया को मैं भैया बुलाती हूँ या अहमद, नाम से या भैया। और आपको, आपका कोई निकनेम है, वो बुलाते हैं आपको किसी प्यार से? मम्मा मुझे बुलाती हूँ। मम्मो है ना, और मम्मो ज्यादा मैच तो नहीं करता। हाँ, बिल्कुल नहीं करता। मेरे बाबा मुझे बुलाते हैं एना मैना। That's cute, एना मैना। मुझे अच्छा लगा, मेरे ख्याल में एना मैना ही बोलूंगी आपको। मेरे भाई तो मुझे, भाई बहन तो मेरे नाम से ही बुलाते हैं मुझे। एना मैना मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने सुना है बड़ी बहन बहुत आपको स्पॉइल भी करती हैं, खाने के लिए चीज़ें भी लेकर आ रही हैं, गिफ्ट्स भी, मतलब कोई वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है? वो शुरू से ऐसी थी? वो तो शुरू से ऐसी थी। अच्छा, शुरू से ही उसने मुझे बहुत स्पॉइल किया हुआ है, सेकंड मदर रही है वो। मतलब जैसे अगर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाती है तो मेरे लिए जरूर कुछ लेके आती है। सो स्वीट। अगर वो लोग रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ मेरे लिए खाने के लिए लेकर आते हैं। तो अम्मा अगर बात नहीं मान रही है तो फिर बहन से सिफारिश कराती है? बहुत दफ़ा ऐसा होता है। मेरी बहन मुझे, मेरी मम्मा मुझे कहीं दोस्तों के यहाँ जाने नहीं देती, सबसे पहले मैं लबीब के पास जाती हूँ। मम्मा को बोलो ना, मम्मा मान जाती है लबीब के बाद। वो बड़ी है ना? हाँ, बड़ी तो थोड़ा सा वो सिफारिश भी चल जाती है। और अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं लबीब को पहले कहती हूँ, तो लबीब भी अपनी दो तीन फ्रेंड्स को गैदर कर लेती है, फिर मैं भी गैदर कर लेती हूँ, हम सब बाहर चले जाते हैं। तो मामा को भी फिक्र नहीं होती क्योंकि लबीब इतनी मुझसे बड़ी है, आप भी मुझसे इतनी बड़ी हो। तो लबीब की फ्रेंड्स में से क्या रही है, उनमें से किसी ने कुछ करके बोला छोटी तुम तो एना मैना, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो, क्या बन गई हो, तुम तो सेलिब्रिटी हो गई हो? हाँ, बहुत सारी, जैसे लबीब की एक दोस्त है उनका नाम भी एना ही है, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ की। अच्छा। और बाकी उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी मेरी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं आज एना ने इतनी अच्छी एक्टिंग की, और लबीब मुझे सारी मैसेजेस दिखाती है। अच्छा, आपको बुक्स पढ़ने का शौक है मैंने सुना है। बहुत। कौन सी? हैरी पॉटर? नहीं नहीं, नॉट हैरी पॉटर। यू आर नॉट हैरी पॉटर फैन? आई मीन इतनी बड़ी बड़ी किताबें मैं क्या करूं, किताबें बड़ी बड़ी होती हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी किताबें मुझसे ज्यादा पढ़ी नहीं जाती। कौन सी किताबें पढ़ती हैं बताएं? कॉलिन हूवर इज माय फेवरेट ऑथर। ओके। और सिडनी सेल्डन को भी मैं पढ़ती हूं, लेकिन कॉलिन हूवर इज ऑलवेज माय टॉप चॉइस। दैट्स दैट्स गुड। और टीवी पे क्या देख रही हैं आजकल? हम तुम अपना ड्रामा अदर देन हम तुम स्ट्रेंजर थिंग्स तो मैंने खत्म कर लिया। वैसे अभी टाइम नहीं होता क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो घर आती हूँ, हम तुम देखती हूँ, थोड़ा सा पढ़ती हूँ और फिर सो जाती हूँ। ओके, यही रूटीन है। सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ईजी है ना, इसलिए तो मेरे लिए ईजी चलता रहता है। इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है, मैथ भी मुझे पसंद है थोड़ा बहुत। ओके। और जियोग्राफी और हिस्ट्री, आई रियली एंजॉय हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ। ओके, मुझे ये बताएं कि एक्टिंग का शुरू से शौक था आपको? या मतलब बचपन में कुछ करती थी, अभी भी छोटी हो, बट जब उससे भी छोटी होती थी, ये कैसे आई आप इस साइड पे? मुझे पता है पहले आपने मॉडलिंग की हुई है ना, पहले आप एड्स में आ रही थी, कुछ फोटो शूट्स थे, फिर उसके बाद आप एक्टिंग की तरफ आई, और पिंजरा आपने पहले शूट किया था। यस, पिंजरा जो अभी ऑन एयर नहीं गया, हदीका कियानी और उमैर राना के साथ। और लेकिन हम तो मुझसे पहले ऑन एयर चला गया, लेकिन शूट बाद में हुआ था। तो टेल मी कैसे आई आप इस साइड पे? सबसे पहले मैंने कमर्शियल्स से स्टार्ट ऑफ किया अपने करियर, उसके बाद मैं फोटोशूट्स पे आई। लेकिन कमर्शियल का आइडिया कहाँ से आया? कमर्शियल का आइडिया किसी तो ने अप्रोच किया या आप खुद भी? मामा को शौक था? हाँ। अच्छा, मामा को भी शौक था, मेरे भाई को ज़्यादा शौक था। हाँ। मेरे भाई को बहुत ज़्यादा शौक था, तो मामा ने मुझसे एक दिन पूछा तुम्हें आर्ट्स में आना है? मैंने कहा
आ जाते और फिर मामा ने कहा चलो सही है और फिर मैंने सबसे पहले डेटॉल किया ऐड की और फिर मैंने अलकरम किया जो मुझे बहुत मजा आया था। दैट वाज माय फर्स्ट फैशन शूट था तो वो तो मजा आना ही था। फर्स्ट शूट था अलकरम का शूट था, मतलब वो सच अ ड्रीम। और उसके बाद से ही फिर ड्रामों में लोगों ने मेरे कमर्शियल्स देखे तो उन्होंने कहा अप्रोच करना शुरू कर दिया था। अप्रोच करना शुरू कर दिया मुझे। फिर मैंने पिंजरा किया, बदनसीब किया। अच्छा, बदनसीब भी किया हुआ जी, बदनसीब भी किया, दैट आई मिस्ड। तो एक्टिंग का, बट ठीक है वो आपने स्टार्ट किया, मॉडलिंग का सोचा, बट ये एक्टिंग का किधर से हुआ कि नहीं मुझे करना चाहिए, जहन में क्या आया? अगर आपको शौक भी नहीं था तो किस चीज ने पुश किया कि चलो मैं एक्टिंग भी करके देखती हूँ? वो भी अम्मा ने बोला या नहीं? नहीं, नहीं। हाँ। वो तो जब मैंने पहला अपना ड्रामा किया था, सबसे पहली सी मोहब्बत, उसमें मेरा दो दिन का काम था, माया अली का बचपन में प्ले करी थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं ड्रामा के सेट पे थी और मुझे इतना मजा आया। तो ये एड से पहले की बात है? नहीं, मॉडलिंग आपने स्टार्ट कर दी थी ना? ठीक है, इट्स इन 2021। हाँ, आई थिंक इसी टाइम, आई थिंक लास्ट ईयर इसी टाइम पे पहली सी मोहब्बत शूट हुआ था। ठीक है। तो मुझे इतना मज़ा आया और सबने मुझे, सबने बहुत तारीफ की क्योंकि मेरा पहली दफ़ा मेरा ड्रामे में वो था, सीन था, और इतना शब्बीर जहाँ के साथ था। ओके। तो वो इतने बड़े एक्टर हैं तो मुझे इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग, बट बहुत लोगों को अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर बदनसीब मैंने किया, बदनसीब में मेरा नेगेटिव करेक्टर था तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि नेगेटिव करेक्टर प्लेड बाय अ 13-year-old, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। और फिर मैंने पिंजरा किया। लेकिन पहली सी मोहब्बत आया कैसे आपके पास? लाइक वही मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने क्यों सोचा या कैसे सोचा कि अच्छा मैं एक्टिंग करती हूँ, मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ जाती हूँ? मेरे भाई ने किया था। अच्छा, पहली सी मोहब्बत मेरा भाई भी था उसमें। okay. शहजाद मुनव्वर का छोटा भाई बना था। मेरा भाई। okay, okay. और उसको जब वो बताता था ना, वो आपके भाई हैं? शहजाद मुनव्वर का छोटा भाई जो बना है, वो मेरा भाई है जी। oh, वो अहमद है। I didn't know that. Interesting. वो मेरा भाई है। I think अब आपको पता है मेरा भाई कौन है तो फेसेस सिमिलर लग रहे होंगे। अब थोड़ी चीजें जो है वो पर्सपेक्टिव में आ रही हैं। आईज बिल्कुल सेम है सब। तो उसने जब वो आया सेट से, वो आता था, वो बताता था कि ड्रामे के सेट पे क्या होता है और हम लोग ने आज ये सीन किया और इस एंगल से किया। तो मैं जब सुनती थी मैं इतनी मतलब सरप्राइज्ड होती थी और इतना शॉक्ड होती थी। मुझे होता था कि कमर्शियल के सेट पे तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे भी एक्टिंग करनी है। मैंने मामा को भी कहा कि मुझे भी ड्रामों में आना है, अहमद भी तो आ रहा है। तो फिर मामा ने पूछा कि अगर कोई रोल है जो ऐना कर सकती है, उसको ट्राई आउट करना है, अगर उसको पसंद आया या नहीं। तो फिर उन्होंने कहा हाँ है, माया अली का बचपन है, ऐना करेगी? जी ऑफ कोर्स करूंगी, माया अली का बचपन पहला रोल। बिल्कुल। तो फिर मैंने वो किया था, इट वाज वेरी फन, बहुत मजा आया था। ओके। तो अब्बा का, अम्मा का कोई प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, बहुत ओके। अब्बू भी ओके थे? अब्बू भी, ही इज वेरी सपोर्टिव। सो कैमरा पहली बार जब फेस किया तो क्या फील हो रहा था, कैसा लग रहा था, डर लग रहा था? मेरा सीन था सबसे पहला कि मुझे हाथ मेरा जलता है एंड आई एम लाइक शाउटिंग। वो ये बड़ा स्ट्रेसफुल वाला सीन, मतलब आसान सीन तो नहीं है ये। मामा ने मुझे जब सीन सुनाया मैंने कहा मैं कैसे करूंगी? तो उन्होंने बताया कि एक चूल्हा वूल्हा होगा, इट्स ऑल गोना बी वेरी इजी ना। तो मैंने कहा चले सही। मैं अपने दिमाग में सोची थी, बस मेरे दिमाग में चल रहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर लेंगे, कुछ नहीं होता, फॉरगेट अबाउट द कैमरास, जस्ट एक्ट लाइक यू एक्चुअली बर्नड योर हैंड। बस मैं आई वाज रिपीटिंग दैट इन माय हेड और फिर हो गया अच्छा और फिर आई गॉट अ राउंड ऑफ अप्लॉज। दैट्स नाइस, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना सेट पे। हां, इतने लोगों के सामने इस तरह एक डिफरेंट इंसान बन के प्रिटेंड करना मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होता है। बट दैट्स द ब्यूटी अबाउट एक्टिंग। अच्छा, कि आप जैसे आई एम ऐना, लेकिन मैं रूबी भी हूँ, मैं मलीहा भी हूँ, और मैं अबीर भी हूँ, मैं करेक्टर्स नेम इन पिंजरा, मैं और मैं ऐना भी हूँ। हाँ, मैं ऐना रह के काफ़ी करेक्टर्स और काफ़ी पर्सनालिटी पोर्ट्रे कर सकती हूँ, काफ़ी पर्सनालिटीज पोर्ट्रे कर सकती हूँ। दैट्स द ब्यूटी अबाउट एक्टिंग, दैट्स व्हाट आई एंजॉय अबाउट एक्टिंग। यू कैन बी योर ओन पर्सन बट आप और भी लोगों को पोर्ट्रे कर सकते हो, आपकी पर्सनालिटीज यू चेंज हो सकती हैं। मे बी यू लाइक दैट पर्सनालिटी, मे बी यू डोंट लाइक प्लेइंग दैट पर्सनालिटी, दोनों हो सकता है। तो मतलब अब करियर फाइनल हो गया कि एक्टिंग ही होगी? हाँ, है ना, मुझे करनी है एक्टिंग ही करनी है, कुछ और नहीं जाना इधर उधर करनी है। अगर एक्टिंग तो पढ़ाई में जाके माइंड थोड़ा चेंज हो गया तो साइकोलॉजी पढ़ाई करेंगी एक्टिंग की फील्ड में, या आपका क्या प्लान है? पढ़ाई तो करेंगे, मतलब आगे जाके further studies in acting ki field, will you do that? Like log jaate hain acting courses karne, ya you know wo you want to? One of my biggest dreams is going to New York
टू स्टडी एक्टिंग. वो मुझे उसका बहुत शौक है न्यूयॉर्क में. और उसके लिए फिर ब्रेक लेना पड़ेगा एक्टिंग से, पता है ना, ये भी बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि वो नहीं बहुत से लोग कर पाते हैं. वो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वो रोल्स ऑफर्स ऐसी आ रही होती हैं कि वो नहीं कर सकते, वो लोग नहीं कर सकते. लेकिन इट्स अ ड्रीम, आई कैन ड्रीम ऑफ कोर्स, एंड मे बी दैट विल हैपन एंड इट विल बी गुड फॉर यू. माशाल्लाह. Another dream is to be on Netflix. वो भी बहुत बड़ा इंशाल्लाह इंशाल्लाह opportunity है. मुझे media science लेना है. I want to study media science क्योंकि I enjoy being in front of the camera. लेकिन मुझे एक ना एक दफा behind the camera भी आना है, like as a director or as long term. हाँ. Nice. I am impressed. अच्छा तो एक्टिंग और मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले जहन में कोई और करियर था? आप कुछ और बनना चाहती थी? साइकाइट्रिस्ट. ओके. आई रियली एंजॉय स्टडीइंग पीपल और साइकोलॉजी के बारे में लर्न करना, क्योंकि साइकोलॉजी इज सो मच डीपर. इतना मज़ा आता है वंस यू रीड लाइक बिल्कुल अ बुक. फिर आपको और इंटरेस्ट होता है कि इस डिसऑर्डर के बारे में मैं और पढूं. तो मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है. अभी भी पढ़ सकती हैं. आई थिंक साइकोलॉजी एक्टिंग में भी हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड यू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो आप कहीं थी आप लोगों को रीड करती हैं, मुझे क्या रीड किया आपने? मैं सबसे पहले लोगों में ये देखती हूँ कि वो स्माइल ज़्यादा करते हैं. आप करती हैं? आई लाइक दैट. मुझे ये बात बहुत पसंद है. मैं स्ट्रेस में पूछता हूँ, अल्लाह ताला इज्जत वाली बात निकलवाना. ओके. मुझे बहुत पसंद है जब लोग मेरे सामने बैठे होते हैं, बस हंस रहे होते हैं. हाँ, अब मौका दे रही है मुझे स्माइल करने का. हाँ, तो इसलिए मैं स्माइल कर रही हूं. बिकॉज मैं भी हमेशा स्माइल ही करती रहती हूँ. मुझे देखते भी हम लाइक ओके गुड गुड. तो फिर साइकोलॉजी, नेटफ्लिक्स एंड एक्टिंग, ये तीन जगह हैं जहाँ पर ड्रीम्स हैं जो एना के. अल्लाह के आपको कामयाबी और खैर आफियत से इनमें, इन सब में इंशाल्लाह.